एवरनेस ऑन मेडिसिनल प्लांट्स बा औषधीय वृक्षलता सचेतनतार पार्ट 32 को मु डॉक्टर सरोजिनी साहू स्वागत जनाउछि। आज जानिबा भुईअंला विषय रे। प्रथमे यार परिचय, यार उड़िया नाम भुईअंला, हिंदी नाम भुईआमला, संस्कृत नाम बहुफल, इंग्रजी नाम स्टोन ब्रेकर, बोटानिकल नेम फाइलांथस प्रेटर्नस, फैमिली नेम यूफोरबिएसी। भुईअंला एक वर्ष छोट गछ, साधारणतः यह बर्षा दिन में भूमि उठी थाए और खरा दिन गच्छ सुखी जाए। यही गच्छ आम देशर समस्त स्थान देखा जाए था। भूईअला पत्र देखा को अला पत्र परी, किंतु यार पत्र शिरा तले छोट छोट अला भली फल होता है, तेणु यह भूईअला कहती। यही गच्छर उच्चता 1-2 फुट पर्यंत होता है। भूईअला गच्छ 2 रंगर देखा जाए, यथा धला और लाल रंगर। यही गच्छ औषधीय गुण में परिपूर्ण अटे। एवं यार गुण, प्रथमे रासायनिक उपादान बा केमिकल कंपोजिशन, इट्स लीव्स कंटेन बिटर केमिकल्स नोन एज हाइपोफाइलांथाइन। द्रव्य गुण, यह ठंडा मधुर और तिक्त, कफ और पित्तनाशक, यकृत और रक्तजनित विकृति में अत्यंत लाभदायक, यह यंत्रणादायक परिस्रा और देहर जलापोड़ार उपशम करे। एवं चिकित्सा क्षेत्र में व्यवहार, भूईअला को जो रोगगुड़िकर चिकित्सा व्यवहार कराए सेगुड़िक मध्यरु केतिक होउछन्ति मुख रोग, कामल रोग, श्वास और काश, स्तन शुद्ध और स्तनगंठी, प्रमेह रोग, पेट व्यथा, रक्त प्रदर, मधुमेह रोग, व्रण और फुला, मैलेरिया ज्वर, जलोदर, कलु, परिस्रा पोड़ा, घा रोग, यकृत रोग, काश रोग, अल्सर। एवं केतोटी साधारण रोगर चिकित्सा प्रणाली, भूईअला पत्र 50 ग्राम को 200 ग्राम पानी रे सिझाई थंडा कर छाणी से ही पानी रे कुली गले मुखर समस्त रोग भल होइथाय। भूईअलार 10 ग्राम चेर को पानी रे बाटी 250 ग्राम क्षीर सहित खाली पेटरे पीले कामल रोग ठीक होइथाय। भूईअला पंचांग 50 ग्राम को 500 ग्राम पानी रे सिझाई पानी 4 भागरु भागे रहिले थंडा करी छाणी 1 चमच मात्रे दिन में 2 थर पीले श्वास और काश रोग से लाभ मिलता है। भूईअलार पंचांग को बाटी लेप देले स्तन शुद्ध ठीक होता है। भूईअला गच्छ को बाटी स्तनर गंठी जगह लगे गंठी मिलाई जाए ठीक हो जाए। भूईअला रस 20 ग्राम रे 2 चमच घी मिसाई सकाळे और संध्यारे खाइले प्रमेह रोग ठीक होता है। भूईअला पत्र 20 ग्राम को 200 ग्राम पानी रे सिझाई से ही पानी रो अल्प अल्प पीले पेट व्यथा दूर हुए। भूईअला मंजीर चूर्ण 5 ग्राम मात्रे चावल धुआ पा सहित दिन में 2-3 थर खाइले मासिक धर्मर अधिक रक्तस्राव बंद होता है। मंजी न मिलने चेरर चूर्ण व्यवहार करे। भूईअला पंचांगर 15 ग्राम चूर्ण और 20 गोलमरीच चूर्ण को एकत्र मिसाई दिन में 3 थर खाइले किसी दिन में मधुमेह रोग से लाभ मिलता है। भूईअला पंचांग को चावल धुआ पा बाटी व्रण उपरे लगे व्रण ठीक होता है और फुला कमी जाए। भूईअला कौल पत्र सहित पत्र 4 भागरु भागे गोलमरीच को बाटी छोट छोट गुड़ी तैयारी सुखाई से 2-2 गुड़ी दिन में 2 थर खाइले मैलेरिया ज्वर भल हो जाए। भूईअला पत्र 100 ग्राम को बाटी 250 ग्राम गाई क्षीर में मिसाई पीले जलोदर रोग ठीक होता है। भूईअला पत्र को बाटी लुण मिसाई लगे गलु बंद होता है। भूईअला रस 1 चमच रे जीरा गुंड 2 ग्राम और चीनी 1 चमच मिसाई खाइले परिस्रा पोड़ा बंद होता है। घा को निंब पानी रे धोई सफा कर पोछी भूईअला रस लगे शीघ्र सुखी जाए। भूईअला गच्छ को छाई रे सुखाई तरकुटा करी से 10 ग्राम को 400 ग्राम पानी रे मिसाई माटी पात्र रे सिझाई पानी सुखी 100 ग्राम रहिले थंडा करी छाणी सकाळे खाली पेटरे और रात्रि रे खाइबा 1 घंटा आगरु 50 ग्राम मात्रे पीले यकृत रोग रे विशेष लाभ देथाय। भूईअला गच्छर गोटे और 5-7 तुलसी पत्र को पानी रे सिझाई से ही पानी को छाणी पीले काश भल होता है। भूईअला और दुब घास समान मात्रे नहीं बाटी रस बाहर करी अधक मात्रे पीले अल्सर भल होता है। विशेष सूचना, व्यवहार पूर्वर जड़े आयुर्वेदिक डाक्तर किंवा अभिज्ञ व्यक्ति परामर्श कर व्यवहार करेंगे। एवं भूईअलार व्यवहार द्वारा उपकृत होता व्यक्ति अनुभूति, विष्णुप्रिया साहू का अनुभूति जनित परामर्श हो 1 कप पानी रे भूईअला गुंड 1/2 चमच भल भाव मिसाई सकाळे खाली पेटरे सेवन कले मासिक धर्मजनित अत्यधिक ऋतुस्राव ठीक हुए। यह नियमित रूपे किछि दिन सेवन कले मासिक धर्म नियमित हुए, नाल झाड़ा ठीक हुए, पेट गरम हो गैस होते ठीक हुए।
ଭୂଇଁଳା ଚେରକୁ ବାଟି ନାକପୋଡ଼ାରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦ ଲେଖାଏଁ ପକାଇଲେ ଅଧ କପାଳି ଠିକ୍ ହୁଏ। ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଭୂଇଁଳା ଚେରକୁ ବାଟି ତାର ରସକୁ ନାକର ଯେଉଁ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିବ ତାର ବିପରୀତ ପୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ।